सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और टू आईटीएंस पर कॉन्सेप्ट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप टू आईटीएंस के ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। चलिए देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। इन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ऐसे सर्कल के डायमीटर हैं ए बी और सी डी, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड ओडी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक, जो ओडी है ये स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है। जो रेड वाला सर्कल आपको दिख रहा है ये क्या है, स्मॉलर सर्कल है, ठीक। और ओए हमें कितना दे रखा है, ओए हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। तो देखिए ओए अगर हमारा 7 सेंटीमीटर है तो ये सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, ओए ओसी ओबी ओडी, ठीक, ये सब क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी साइड्स हमारी, ये ओए ओबी ओसी ओडी, ये सब कुछ हमारा क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओडी को मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो शेडेड रीजन के अंदर है। तो अब देखिए, जो सबसे पहले हमें गिवन है, हम उसी को ले लेते हैं। देखिए इन दिस फिगर OA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर OA अगर हमारा 7 है तो ये OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OB, ये सब कुछ हमारा क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। रीजन आपका ये है क्योंकि ये दोनों ही हमारे क्या है, डायमीटर्स हैं, ठीक। अब बात करें, ओडी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। तो जो ओडी है वो क्या है, डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का, ठीक। तो देखिए ओडी हमारा कितना है, ओडी हमारा है 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब देखिए इसकी रेडियस को मैं मान लेता हूं आर टू, ठीक। तो आर टू हमारी क्या हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक। और इसी तरीके से यहां पर हम आर वन कंसिडर करेंगे तो आर वन हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। और आर टू आपकी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि जो आपके आपकी जो रेडियस होगी वो किसकी, डायमीटर की हाफ हो जाएगी, ठीक। अब देखिए, अब हम कैलकुलेट करेंगे हम अपना शेडेड एरिया, ठीक। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ये आपका हो जाएगा एईसी प्लस, और ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट AEC हो जाएगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, BFC, ठीक है, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल सर्कल विद, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल लिख देते हैं, सीधा हमें क्वेश्चन में दे रखा है एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल सर्कल, ठीक है। तो अब देखिए इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम सेगमेंट एईसी का एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट एईसी, ठीक। तो AEC निकालना है तो देखिए उसमें हमारे पास क्या क्या है, देखिए OC इज इक्वल टू
OA इज इक्वल टू, और ये आपका R1 इज इक्वल टू कितना है, ये है हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक, और देखिए अगर हम बात करें ये ट्राइंगल AOC की, तो ट्राइंगल AOC हमारा क्या है, आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, यहां पर भी ये 90 डिग्री ही होगा। ठीक, तो AOC हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, तो एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ रीजन AEC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये जो हमें मिल रहा है ये AECO। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेक्टर बन रहा है। ठीक, ये सेक्टर बन रहा है जिसका ये सेंटर पर जो एंगल हमें मिल रहा है ये क्या है, राइट एंगल है। ठीक, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। ठीक, तो ये आपका जो एरिया ऑफ रीजन, ठीक, एरिया ऑफ रीजन की बजाय अगर हम इसे सेगमेंट भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूं, सेगमेंट में कर दे रहा हूं। ठीक, क्यों, क्योंकि ये जो आपका होता है इस पार्ट को हम सेगमेंट भी बोलते हैं। ठीक, और ये चीज हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आप सेगमेंट और रीजन में कोई भी वर्ड लिख देते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो देखिए एरिया ऑफ, ये आपका सेगमेंट हो जाएगा। ठीक, एरिया ऑफ रीजन AEC, ठीक, इज इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर AOCE, ठीक, AOCE माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपका जो सेक्टर का एरिया हो जाएगा, सेक्टर का एरिया हम लिखेंगे थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू, और ये आपका क्या हो जाएगा, इस रेडियस को हमने R1 लिया है तो ये पाई R1 स्क्वायर माइनस, और ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ, ये हो जाएगा OA इंटू OC। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू, और ये आपका 22 बाई 7 इंटू, और रेडियस आपकी कितनी है, 7 है। ठीक है, माइनस हाफ, और ये आपका क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7। ठीक, तो अब देखिए हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो 90 से ये आपका कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, और देखिए ये आपका 2 टाइम्स और जाएगा। ठीक, तो ये आपका 11 हो जाएगा, और 7 से 7 ये हमारा पूरा कट जाएगा, तो देखिए ये आपको मिल रहा है 77/2 माइनस, और ये आपका हो जाएगा 49/2। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 77 माइनस 49। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 28/2। ठीक, तो ये आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा कितना, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यानी जो ये जो आपका एरिया है, ये जो इतना जो एरिया है ये आपने कैलकुलेट किया है। ठीक, तो ये आपको कितना मिल रहा है, ये आपको 14 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है। ठीक, अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना है कि अब ये वाला एरिया हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये एरिया हमको कैलकुलेट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये एरिया और ये एरिया इक्वल होंगे। उसका रीजन ये है कि देखिए ये जो आपका BOC और AOC, ठीक, या ये कह सकते हैं AOCE और BOCF, ठीक, ये आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट सेक्टर है। ठीक, तो कॉन्ग्रुएंट सेक्टर है तो उनके थ्रू जो उनके बीच में जो एरिया है वो क्या होगा, सेम होगा, और ये दोनों जो ट्राइंगल है वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है,
तो चलिए फिर इसी क्वेश्चन में अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ रीजन सेगमेंट, सिमिलरली वर्ड पहले लिख देता हूं मैं, सिमिलरली एरिया ऑफ रीजन सेगमेंट बीएफसी इज ऑल्सो 14 सेंटीमीटर। ठीक, रीजन सेगमेंट बीएफसी इज इक्वल टू सेगमेंट एईसी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। फिगर, ठीक, ये दोनों फिगर कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं। देखिए इसका रीजन मैं अभी बता चुका था थोड़ी देर पहले, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ये जो आपका ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ये सेक्टर और ये दोनों सेक्टर दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, तो अगर देखिए ये, अगर देखिए ये आपका सेक्टर कॉन्ग्रुएंट है और ये भी सेक्टर कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों जो सेगमेंट होंगे ये भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो अब हम निकालना है, अब हमें सर्कल का एरिया निकालना है। ठीक, तो देखिए एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू पाई आर टू स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू, और रेडियस हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तो ये आपकी कितनी थी? 7/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 11। ठीक, तो ये आपको मिल गया है 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका जो आ गया, ये कितना आ गया? 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अब हमारा कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। देखिए अब इसकी वैल्यूज तो हम निकाल चुके हैं, ये भी आपका 14 है और ये भी आपका 14 है प्लस, और जो स्मॉलर सर्कल का एरिया जो हमने कैलकुलेट किया था ये आपका कितना था? 77/2 आया था। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 28/77/2। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ये आपका 77/2 इधर और ये आपका 28 इधर। ठीक, अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2। ठीक, और ये आपका हो जाएगा 77 प्लस और ये आपका हो जाएगा 56। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या हम इसे लिख सकते हैं 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका आंसर है। ठीक, तो यहां से आप कह देंगे हेंस द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये हमारा आंसर।